इंसान अल कामिल इंसान कामिल साड़ी जमाने असल साडे ते सूफिया दे शऊर दा बड़ा फर्क है। हुण मैं छोटी जी गल करन लग्या उलमा नूं दी खिदमत पेश करदा पिया कि सूफी दी जिहड़ी किताब पढ़नी है तो अपनी नजरां नूं बंद करके उंदी नजरां खोल के किताब उंदी पढ़नी है। अपनी नजरां नाल जब तक औलिया दी किताबां पढ़दे रहा सो कख पल्ले नहीं पवणा। इंसाने कामिल असी आम लोग समझने इंसाने कामिल वह है जिहड़ा इंसान हाई ते तरक्की करदे 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 मारफत दे उस मकाम ते पहुंचया कि वह कामिल हो गया। ये सूफी दी जबान नहीं, एक फलसफी दी जबान हो सकती है, एक मुतकल्लिम दी जबान हो सकती है, एक आलिम दी जबान हो सकती है, सूफी दी नहीं। सूफी दी नजरें च इंसाने कामिल कौन है? जेड़ा मुकम्मल इंसान बन गया। इंसान तो उत्ते होर को जिस कायनात तखलीक दे विच पाया ही नहीं जाता। यानी यह हुण सूफी दी नजर है, थोड़ा जिहा फर्क है। एक आंदा पे है कि इंसान कोई शय नहीं लेकिन तरक्की करते करते एक दिन वह कामिल हो जाता है। सूफी आंदा है नहीं, इंसान को ज्यादा कामिल कायनात च कोई है ही नहीं, जिहड़ा इंसान बन गया वह कामिल है। यह बड़ा नफीस फर्क है, पर जिसनों समझ आ गया जिंदगी दे कदी किसी इंसान की बेइज्जती ना कर सकते। इस बार जिस वे इंसान कामिल दा लफ्ज़ शेख उल अकबर की किताबें चमद है उन्दे तो मुराद यह है कि इंसान होना इतनी वड्डी कामलीयत है कि इस कुल वड्डा बुलंद दर्जा पूरी कायनात मां सिवा अल्लाह दे होर कोई नहीं पाया जाता। आप फरमाइंदे हैं हजूर इंसान अल कामिल है, अन बतौरे इंसान अल कामिल आप दे दो काम हैं। हेके कि अल्लाह दे तमाम असमाए हुसना नू अपने वजूद दे विच इकट्ठा करन, ते फिर फरमाइंदे हन कि ऐ इंसाने कामिल तमाम मौजूदात दी इब्तदा है, तमाम मौजूदात दा माखिज है। यानी जितने भी मौजूदात पाए जाते हैं उन्हां नू परवरदिगार ने इसे इंसाने कामिल दे वजूद दे वसीले नाल तखलीक किया है। इस पर दो काम हैं इस इंसाने कामिल दे, हेके कि अल्लाह दी सिफात दा आईना बनना, अल्लाह दी सिफात नू अपने वजूद दे विच इकट्ठा करना, ते दूसरा जिहड़ी मखलूक इंदे वजूद तो तखलीक कीती गई है उन्नू अपने खालिक नाल राबता करवाना। यह इंसाने कामिल दा इब्तदाई ढांचा है शेख उल अकबर दा। आप फरमाइंदे ने इंसाने कामिल वो है कि जिहड़ा 1,24,000 नबिया दे विच इजहार करता है। यानी हर नबी इसे इंसान उल कामिल जिहदा नाम असी आम जबान विच मुहम्मद आने हैं उसका मजहर है, ते आखिर ते खातिमुल मुरसलीन की शक्ल दे विच वारिद हो के नबूवत दा बाब तकमील दे दर्जे ते ले जाके बंद कर देता है। शेख उल अकबर दे जुमले इसे ते मैनू बल्कि कवाल सामने बैठे तो मैनू मौलाना रूम याद आ गया मुस्तजाद उन्हां दी। गालिबन दुनिया की शायरी का सब कुल वड़ी मुस्तजाद ही है, इन्हें तो वड़ी मुस्तजाद कोई नहीं। इसी गल नू शेख उल अकबर दे मौलाना रूम ने मुस्तजाद दे विच बड़े सोहने शेर दे विच ढाले है। आ फरमाइंदे हैं नैने के हमो बुद के मियाम दो मीराफ्त। वाह मौलाना, मजा तो आया ना, सूफी होवे तो यो जी होवे वरना ना होवे कोई और काम कर लवे। नैने के हमो बुद के मियाम दो मीराफ्त हर करन के दीदें ता आकिब ता शकले अरब वार बरामद दाराए जहां शुद। आंदे हर सदी असां पढ़ के वेखे है हर सदी दे विच जिहड़ा भी नबी नजर आया है वह सिवाए मुस्तफा दे अक्स दे होर कोई ना आए, ते आखिर ते खातमुल मुरसलीन की शक्ल दे विच आके इसने उन्हां नबूआं की भी सदाकत ते मोहर ला दिती ते नबूवत दे बाब नू हुसन दे नाल इख्तिताम बख्शे। शेख उल अकबर फरमाइंदे हैं कि शेख उल अकबर दे फलसफे दे विच
जिहड़ी उन्हां दा कायनाती तसव्वुर है उहदे विच जितने भी इंसान अल्लाह ने जितनी भी मौजूदात अल्लाह ने भावें कोई वट्टा है ते भावें कोई नबातात विचों है या हैवानात दे विचों है या फरिश्तियां दे विचों है जिन्हां दे विचों है इंसानां दे विचों है हर चीज़ अल्लाह ने अपनी किसी सिफत दे इजहार दे वास्ते बनाई है। कुरान नू अगर वेख लो, मेरा चैलेंज है तमाम उलमा नू तमाम सूफिया नू पूरे कुरान दे विच मैनू एक बंदा इस पूरी कायनात दे विच कोई भी चीज भावें वह चंगी है या मंदी है एक चीज दे उते उंगली रख दियो जिहड़ी अल्लाह दी आयत ना हो। चैलेंज है कुरान दे हवाले नाल गल करदा पिया, मुहक्किक आदमी है, एवें चवलियां नहीं मरे ना। पूरी कायनात च कुछ भी पाया जाता है, घटिया तू घटिया है वधिया तू वधिया, उनकी हकीकत सिर्फ एक है कि वह अल्लाह की आयत है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाके वफी अनफुसहिम, तेरे नफ्स भी में तेरा नफ्स भी मेरी आयत है ते तेरे इर्द गिर्द जो कुछ पाया जाता है मेरी आयत है। शेखुल अकबर आंदे अल्लाह ने जितने भी मौजूदात बनाए सब दे सब सिर्फ एक मकसद के तहत बनाए हैं कि वह अल्लाह की आयत बने। लेकिन फरमाइंदे हैं कि हर इस काबिल नहीं कि अल्लाह दी तमाम नामा नू तमाम सिफात नू यकजा कर लवे। फरमाइंदे हैं असी भी अल्लाह दी आयत हाएं, असी भी अल्लाह दा मजहर हाएं पर जुजवी। कोई अल्लाह दी एक सिफत विखा देंदा है, कोई दो सिफतां विखा देंदा है, कोई तीन, लेकिन हस्ती है मुस्तफा वो वाहिद हस्ती है कि अल्लाह दी जितनियां भी सिफात हैं उन्हां कमाले अदालत नाल कमाले जमालीयत दे नाल कमाले कामलीयत दे नाल एक महशरे वजूद दे विच कट्ठा करदा है। बड़े भारी जुमले हैं, इन्हां दी तफसील ही नहीं मैं जानता, हाली सिर्फ चस लै लो जबान की हद लै लो। शेखुल अकबर फरमाइंदे ने वाहिद हस्ती है जिंदे च वह अदल पाया जाता है, वह नुकता है कमाल वह नुकता है जमाल पाया जाता है कि भावें रब की सिफत जलाली होवे या जमाली होवे सबूती होवे या सलबी होवे एक मैशरे वजूद दे विच सारयां नू कट्ठा कर लैंदा है ते कामिल तरीन मजर बन जाता है सिफाते इलाहिया दा। फरमाइंदे हैं ऐ मेरे बेटे सुन, फतवाते मक्किया दी इबारत सुनो, दिल खुश हो जाता है। और यार जो सूफिया ने तारीफ की है मुस्तफा दी, जो चेहरा विखाया कोई होर नहीं विखा सकिया, ये मन जाओ, बुरा मनण दी लोड़ कोई नहीं, ये तुहाडी कलमा ते किताबां तो उच्चू ते उत्ते दियां गल लैण। फरमाइंदियां ने मेरे बेटे सुन, अल्लाह तेरे ते जितनी मर्जी तजल्लियात कर देवे, जितना मर्जी तेरे कल्ब दे नू अपना मजहर बना लवे, तू कामलीयत ए मुस्तफा तक कदी पहुंच ही नहीं सकदा। फरमाइंदे हैं वो है कि जिस वेले इबादत विच खड़ा हुंदा है तो हजूरी ए रब दी इबादत दे विच हुंदा है, ते एक तू है कि जद नमाज विच खड़ा होना है इबादत वास्ते तो तेरी इबादत तो हिजाबा दी है। वो जिस वेले खड़ा होंदा है ते उंदे ते रब दे दरमियान एक पर्दा नहीं होंदा, ते तेरे दरमियान रब ते तेरे दरमियान 70,000 जुलमाती ते नूरानी हिजाब होंदे हैं, तेरी इबादत ते उंदी इबादत का की मुकाबला। फरमाइंदे हैं जिस वेले अल्लाह तेनू थोड़ा जिहा शऊर देसी थोड़ी जिही मारफत देसी ते तू वेख से, आंदे वेखण दे दो तरीके हैं, एक कि खुदा नू अपने आयना ए दिल दे विच वेख, आयना ए नफ्स दे विच वेख अपने। फरमाइंदे हैं लेकिन इत्थे ए नफ्स तेरा ही जरफ है, जितना एक बनाया ही उतना ही रब नजर उसी। आंदे ने मेरे बेटे अपने आप नू आयना ए मुहम्मद दे सामने खड़ा कर ला, अदर विखे फना फिर रसूल दा बाप चमदा पे ने। मैं तुहानू इब्तदा ते लई जाना पहले बारी फना फिर रसूल दा इलमी तौर ते बयान जिसने किता, इस तू पहले जितने भी औलिया आए नो फना फिल्ला दा दर्श देंदे रहे, ए पहला बंदा जिहड़ा फना फिर रसूल ते आया अपनी किताबां दे विच। फरमाइंदे हैं अपने आप नू आईना ए मुहम्मद दे सामने खड़ा कर ला, क्योंकि अक्स दी शफाफियत आईने दे उत्ते मुनहसर है, जितना आईना चंगा हो सी जितना आईना साफ हो सी उतना अक्स सोना हो सी। फरमाइंदे हैं कब तक रब नू अपने विच वेंदा रासे, तेरा आईना मैला है तेरे आईने दा जर्फ थोड़ा है, तैनू बड़ा जुजवी तौर ते रब नजर उसी। इस पर वह मेरे बेटे आईने मुहम्मद दे सामने खड़ा हो जा,
क्योंकि ये आईना वो है जिंदे विच रब दी तमाम सिफात जामे होके आंदियां हैं। आंदे ने अपने आप नू गर्क कर ला जिक्रे मुस्तफा दे विच, मिटदा जा मिटदा जा मिटदा जा, इतना मिट कि ओ रवे तू ना रवे, मुस्तफा छप जावे तेरे वजूद दे उते। ते जिस वेले कर लिया तू तरीका भी दसे सा, तरीका की है सूफी वाहिद कौम है जिहड़ी गल करेंदा है उंदी एक थ्यूरी आउंदी है, एक मैथड आउंदा है, वाहिद कौम है। हुण साइंसदान दुई ओ कौम बढ़ते पे। मैं 4000 साल का फलसफा पढ़े है, 35 साल हो गए मैनू, इया मैं वेख्या दो कौम मैनू लभियां कि जिहड़ी गल करे सन उहदी थ्यूरी भी उसी ते उहदा कोई तरीका भी उसी उस ते अमल करन दा, थ्यूरी एंड एप्लीकेशन। बाकी या सिर्फ थ्यूरियां बयान करेंदे रहे सन या सिर्फ अमल की गल कर, ना ए इल्म भी देसी ते अमल भी देसी। फरमाइंदे हैं आईना मुस्तफा दे सामने अगर तू खड़ा हो गया तो उत्थे, क्या खूबसूरत जुमला है, फरमाइंदे हैं आईना ए मुहम्मद दे विच, ऐने मुहम्मद दे नाल, हाय हाय तस्वीरे खुदा वेख, क्या खूबसूरत गल है, क्या खूबसूरत गल है, वाह शेख अल्लाह तेरी कबर दे उत्ते करोड़ा रहमतां करे। आंदे अपनी अखां नाल पलीत ना करें तसव्वुर ए खुदा नू, आईना ए मुस्तफा दे सामने खड़ा हो ते ऐने मुहम्मद दे नाल उस हक नू वेख, ते जिस वेले वेख सें ते ए दीदार कामिल तरीन दीदार है, क्योंकि हजूर ने फरमाया शैतान मेरी शकल च मुतमस्सिल नहीं हो सकता। अगर शैतान हजूर की शकल दे विच नहीं आ सकता ते हुण जिस वेले आईना ए मुस्तफा दे विच रब नू वेंदा पे ते उंदे विच शैतान की मुदाखलत कोई नहीं। ए हैं शेखुल अकबर, ए बुनियादी ढांचा है। इंदा हाशिया लाया अब्दुल करीम जीली ने, शुरू करें ना उन्हां दी किताब अल कमालात अल इलाहिया फिस सफात अल मुहम्मदिया, पहला बाब खुलें देन। आप फरमाइंदे हैं कि अल्लाह ताला ने हर किसे नू अपनी तजल्ली सिफाती नाल बनाया, मां सिवाय हिक दे मुस्तफा नू अपनी तजल्ली जाती नाल बनाया है। तजल्ली ते मजला की होंदा है, लंबी बहस है, उंदे विच मेरे को टाइम कोई नहीं पै सकता, हाल ही है बस जुमला समझ लो। हर कोई बनया है रब दी सिफात दी परछाई दा, मुस्तफा बनया है अल्लाह दी जात दी परछाई दा। फरमाइंदे हैं क्या 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 गल गल करन तो पहले मजा आंदा पे। फरमाइंदे हैं कि अल्लाह ने एक कायनात बनाई, ए बनन तो पहले कायनात किदे है, अल्लाह फरमाइंदा कुरान में इन्नमा अमरहु इज़ा अरादा शैयन अय यकूलु लहू कुन फयकून। जिस वेले मेरा इरादा होंदा है कोई शय बनावण दा तो मेरा काम में है अय यकूलु लहू, मैं उसनु आना कुन तू हो जा, फयकून ओ हो जांदी है। ओ फरमाइंदे हैं अल्लाह किनु आंदा पे, तू हो जा, ओ तो है ही कोई ना, ए जेड़ा सीगा है वाहिद हाजिर दा ए किनु आख्या जांदा पे, ए इशारा लहू दा किदे पासे कीता जांदा है। इत्थे उन्हां दा फलसफा इब्नुल अरबी दा लैंदे आयाने साबिता, साबित जिहड़ी बदले ना ऐन तस्वीर ऐन जात कई मतलब ने दे। मैं इस मिसाल नाल समझा देवां, मैं तकरीर करेंदा पिया ना, ए तकरीर इस खारिज च आवण तों पहले किथे आई मेरे ज़हन च, ए खाका मौजूद है, हुण मैं उसे खाके की नकल तैयार करेंदा पिया, जो जहन दे विच है उन्हों होठां दे नाल नकल करेंदा पिया। फरमाइंदे हैं इवें ही अल्लाह ने जेड़ी पूरी कायनात बनावनी है ए अल्लाह दे जहन दे विच तस्वीरां दी शकल च मौजूद है, इनू आयाने साबिता आंदन सूफियां दी ज़बान है आंदन। फिर अल्लाह ने क्योंकि युहीतुन शैयम मिन इल्मे ही, हर शय नूं उसने अपने उंदे इल्म ने हाथे च ले होए, अल्लाह ने परखिया कि कौन है जिहड़े मेरे तमाम नावां दा अक्स बन सके, हर दे विच कमी आई। फरमाया अल्लाह ने काबिलियत दित्ती लेकिन हर ने कबूलियत नहीं कीती, बहुत सोहनी गल है, ये ज़र्फ ते इस्तेदाद दा फलसफा है, ये भी फिर कदी सही। फरमाइंदे हैं अल्लाह ने वेख्या कि जिहड़ी जिहड़ी चीज़ां मैं बनावनिया है इन्ने च कितनी इस्तेदाद पाई जाती है, कोई चीज मेरी कितनी एक सिफात नूं अपने अंदर लै सकती है। फरमाइंदे हैं कुन तो कंजन मखफी या फअहबबतु अन उरफ,
اللہ فرمائے میں لکے ہویا خزانہ آسوں، میرا دل کیتا کہ میں ظاہر ہوما، میں پہچانے آ جاواں، فخلقت الخلق لعرف، میں مخلوق بنائی تاکہ مینوں پہچانے۔ فرمایا ہن اینے ثابتہ دے وچ رب نے ویکھیا، دل کیتا میں باہر آواں، الخزانہ باہر کڈھاں، ہر کسے نوں فیض ملے، لیکن کوئی کتنا فیض لے سکدا ہے؟ فرمائندے ہیں اللہ نو محبت ہوئی، اپنے اظہار دے نال اس محبت دے وچوں اللہ نے ایک محبوب کھڑیا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ جیلی، اے جیلی پتہ ہے کہندا پوترے نے عبد القادر جیلانی دا، ایک قادریاں دا امام ہے، سارے عالماں نو پڑھ دے رہن دیو، ڈھب دے عالماں نو تے پڑھنا ہی نہیں جس قوم نے۔ عبد القدیر جیلی تیسری پوش دا قادری ہے، اسے شہر وچ پیدا ہویا جیندے وچ غوث العظم پیدا ہوئے، اسے دا پوتر ہے، اسے دے گھر دا تربیت یافتہ ہے، ان دی کتاب توڑے سامنے کھڑی کریں دا اپنا۔ او قادریاں ہو، تانوں قادریاں دے سبق دین دے پئے ہیں، ویکھو تا صحیح اٹھان کی ہے قادریاں دی۔ فرمایا اللہ نو محبت ہوئی کہ میں ظاہر ہوواں، پہچانے آ جاواں، پر چیزاں دے وچ او استعداد نہ آئی، او ظرف نہ آئی، او قبولیت نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک نو اپنا سب کچھ دے دے وے۔ اللہ نو محبت ہوئی، اس محبت دے وچوں اپنی ذاتی تجلی دے نال ایک محبوب گھڑیا، تے اس محبوب دا نام محمد رکھیا۔ ہائے 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 ہائے، اے نام وی محمد ہم تو نکل دے، حمد بندیاں دی نہیں ہوندی۔ آندے نے سفارو اے تجلی ذات دا عکس ہے، تو تجلی صفات دا عکس ہے۔ ہن جس ویلے دنیا دے وچ آئے ہیں، تو میں مختصر کردا پیا، اقتباس نو بھی مختصر کردا، پھر کسی جگہ تے اسے تقریر نو لمبائی دی، کیونکہ کم از کم سوا ڈیڑھ گھنٹے دے وچ سمجھ آمنی فنا پھر رسول دی۔ لیکن آپ فرمائیندے ہیں ہن، کیونکہ مصطفیٰ او آئینہ ہے جن دے وچ رب دی ذاتی تجلی ہوئی ہے، فرمائیندے ہیں بڑا سونی، ویکھو سٹرکچر کیا سونا دیندے پئے، فرمائیندے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذاتی تجلی دے وچوں اپنے محبوب نو تخلیق کیتا، تے پھر محبوب دے وچوں پوری کائنات نو تخلیق کیتا۔ یعنی اللہ تے مصطفیٰ دا رابطہ ہے ذات دا، تے تمام مخلوق دا رابطہ ہے مصطفیٰ دے نال صفات دا۔ اے سمجھن دی گل ہے، انہ دے فلسفے دے وچ فیض اقدس تے فیض مقدس، ساڈے سب تے جڑا فیض ہوندا ہے رب دا او فیض مقدس ہے، جڑا مصطفیٰ دے اتے فیض ہوندا ہے رب دا او فیض اقدس ہے، او ذات تو ہے، سانو صفات تو ہے۔ فرمائیندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایتھے ہن کمال کیتا ہے جیلی نے، کیا کوئی گل کرے سی، فرمائیندے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان نال بڑا پیار کیتا ہے، فرمائندا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس ویلے میں اپنے تقویم، اپنے اندازیاں نو بناون دا اندازہ ہے تقویم، مٹی لے، پانی لے، چکی چلا، اتے برتن بنا، اے ہے تقویم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس ویلے اپنے مقرر کردے اندازیاں نو میں حسن تے لے گیا، رب آندا پیا، اس ویلے میں انسان نو بنایا۔ فرمائندے اللہ نو اس شکل نال پیار کیوں ہے ایڈا؟ آندا لقد کرمنا بنی آدم، میں آدم دے پتراں دے سر دے اتے عزت دا تاج سجایا ہے، اور صرف آدم دا پتر ہوں میں، بھامے کوئی ہوں میں، کسے مسلک دا ہوں میں، کسے مذہب دا ہوں میں، ایک قرآن دا فتوہ ہے کہ تو قابل تعظیم ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، آدم دے پتراں دے سر تے جیلی آندا ہے، کیوں کیوں اللہ نو اس شکل نال ایڈا پیار ہے آدم دے پتراں دی، کیوں انہاں دے سر دے اتے تاج پویندا ہے؟ ان دی وجہ یہ کہ جیڑی صورت مصطفیٰ ہے، سنن دی گل ہے، آندے جیڑی صورت مصطفیٰ ہے اے اللہ نے اپنے ذاتی انوار دے نال، او محبت جیڑی او نوائی اپنے اظہار دی، آندے ہیں مصطفیٰ نسخہ صفات خدا ہے، رب نے اپنی صفات نو جس ویلے ایک وجود ہے مجسم کیتا ہے، تے جیڑی شکل بنی ہے او مصطفیٰ ہے، تے آندے آدم جیڑا ہے او نسخہ مصطفیٰ دی نقل ہے، تے اسی سارے نسخہ آدم دی نقل ہیں۔ اللہ سانو پیار اس پاروں کر دے، آدم نو بھی اس پاروں کر دے کہ آدم اس شکل تے بنایا ہے اسو، جو شکل ہوندے تخیل دے وچ محمد دی ہے۔ ایتھائیں آکے شیخ الاکبر دا فلسفہ آمد ہے کہ سب اے انسان کامل ہے، اس پر وہ اس انسان کامل نو مصطفیٰ نو کی آن دینا، آپ فرمائیں دے ہیں اے کی ہے،
ये जुमले सारे याद होने रटे हुए चाहे दिन कादरिया नूं ये गल आप फरमाइंदे हैं कि ये इंसाने कामिल जेड़ा है ये पूरी कायनात सगीर है ये पूरी कायनात नूं अपने अंदर इस लुकोया हुआ है ते पूरी कायनात इंसानल कबीर है ये पूरी कायनात बंदे दा अक्स है ये गल हुण समझ आउंदी है जीली दी गल तों बाद फरमाइंदे हैं अल्लाह ने अपनी सिफात दी सूरत दे उत्ते मुहम्मद दी सूरत बनाई उंदी सूरत दे उत्ते आदम दी सूरत बनाई ते आदम दी सूरत दे उत्ते आदम दे पुत्रां ते धियां दी शक्ल बनाई इस पर अल्लाह साडे नाल प्यार करदा है इस पर इज्जत देंदा है कि असीं उंदे महबूब दी शक्ल ते आए वरना साडे विच कुछ नहीं पाया जांदा फरमाइंदे हैं जीली ऐ मेरे बच्चे अपने आप नूं मुस्तफा दे जिक्र च गर्क कर दे फरमाइंदे हैं तसव्वुर कर बार बार काजी अय्याद दी किताब अशफा बेतारीफे हकूकिल मुस्तफा उन्दे बार बार दर्जना हदीसां लिख देन अलकलमा अलकमालात अलिलाहिया देवे ते आंदे ने कि मैं तेरे सामने शकल पक्की तसव्वुर पक्का करदा पिया मुस्तफा दा फरमाइंदे हैं हर वेले मुस्तफा नूं याद कर अगर हर वेले याद नहीं कर सकता कम अज कम जिस वेले दरूद पढ़ना ए हुण देंदा पे हथियार ए टूल देंदा पे ने ए रूहानी ट्रैक्टर देंदा पे है जिंदे नाल तुसी फनाफिर रसूल नूं समझ सकदे हो फनाफिर रसूल करनी किवें फरमाइंदे हैं जिस वेले दरूद शरीफ पढ़ना है ते दिल ते आने जबान तेरी आंदी भी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद ते क्या कोई शक्ल ज़हन दे विच रखेना है कि नहीं ए फनाफिर रसूल दी पहली सीढ़ी है जेड़ा जिक्र ते तसव्वुर नू ना मिला सकया ओ ना फनाफिल्ला कर सकदा है ना फनाफिर रसूल कर सकदा है ना फनाफिर शेख कर सकदा है समझण दी गल आप फरमाइंदे हैं कि कम अज कम जिस वेले दरूद शरीफ पढ़ना है उस वेले तक रसूल दी शक्ल सामने ले आया कर आने क्योंकि वो कामिल आईन है फरमाइंदे तू ना किस आईन है कब तक अपने आईने दे विच रब नू वेंदा रहसे जगर आईने ना किस होवन मिट्टियां पईयां होवन आईने लम्मे होवन तो चीजा लम्मियां नजर आंदियां जे पिचके होए होवन तो पिचकी होईयां नजर आंदे आने क्यों नहीं आंदा हुण तू आईना है मुस्तफा दे सामने जिंदे विच रब दा जलवा कामिल होंदा है फरमाइंदे हैं अपने आप नू मुस्तफा दे जिक्र तू मुजयन कर फरमाइंदे ने बादशाह होंदा है ना उंदे हरम च बड़ी लौंडियां होंदियां ने कबूल केड़ी होंदी है आंदे ने जेड़ी भूं बनाओ सिंगार करेंदी है एक दिन बादशाह दी नजर पै जांदी है उनू अपनी बीवी बना लैंदा है आंदे ने अपने आप नू सिफाते मुहम्मदिया दे नाल मुजयन कर तू भी एक लौंडी है हो सकता है अगर बहु तैयारी करें तो मुस्तफा दी नजर तेरे ते पै जावे ते दरबारे मुस्तफा दे वे तैनू रसाई मिल जावे ते रसूल तैनू अपना दीदार दे देवे अगर उसने दीदार तैनू दे दिता फरमाइंदे हैं फिर तू भी वो इंसान कामिल बन जासे जेड़ा खालिक ते मखलूक दे दरमियान रिश्ते करवाइंदा है जीली दी ज़बान च हजूर बरज़खुल औला है उतली बरजख बरजख जानदे हो के नुआ दे हैं बरजख संतैया पता है कब्र आलम बरजख है बरजख दुनिया दे विच भी पाई जांदी है सूरज चमकदा पे है ना ते हुण ए जेड़ी दीवार है इंदा साया हेठा पंदा पे साया दे विच एक लकीर है जेड़ी जिंदी एक पासे सूरज दी किरणा पंदियां पईयां नु रोशन है ते दूए पासे सूरज दी किरणा नहीं पंदियां पईयां इस दीवार दी वजह तू ओ अंधेरी है ए लाइन जेड़ी अंधेरे ते रोशनी नु तकसीम करेंदी पई है इनू अरबी च बरजा कहंदे ने बरजखल उला आंदे ने मेरे बेटे तसव्वुर कर मुस्तफा दा हुण ए तरीका ए टूल समझो ए हथियार कौन दिंदा पिया आंदे ने तसव्वुर कर मुस्तफा दा हर वेले नहीं कर सकते हैं जिस वेले दरूद पढ़ना है कम अज कम उस वेले तसव्वुर कर मुस्तफा दा आंदे ने अगर ख्वाब च कदी हो आ गए हाय 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 आंदे ने अगर कदी ख्वाब च मुस्तफा नजर आया ही उसे शक्ल नु पका ला जदन भी दरूद पढ़िया कर वो शक्ल ज़हन च ले आया कर आहा हा हा मे मोरे नैनन में जो आन बैठो तो मैं अखियां ही झांप लूं बाबा फरीदां दा पे ओ मोरे नैनन में जो आन बैठो तो मैं अखियां ही झांप लूं ना तो देखूं पिया गैर को
ना तो है ही देखण दो। गैरत खाब में खड़ा ले दी की आंदे हैं मियां साहब तू सुनाइंदा उन्हें सुफने अंदर मिले आ माही ते मैं गल विच पा लिया बाही हो डर दे मारे अख ना खोला ओ कदी फेर बिछड़ ना जावा। आंदे अगर कदी ख्वाब विच वेखे तो वो शक्ल याद कर ला जिस वेले दरूद पढ़ना है वो शक्ल हाजिर की कर अपने तसव्वुर दे विच। आंदे अगर कदी हजूर ख्वाब विच नहीं आए तो मैं काजी याद दी पूरी किताब छाप दित्ती अपनी किताब दे विच। सिर्फ इस बारू हजूर दी भमा इंज आए हजूर दी अखा इंज आए हजूर दी फफरत हजूर दी जुल्फा खुलियां होईयां इंज आए बंद होईयां इंज आए हजूर दा चेहरा इंज आए लबे मुबारक इंज आए दंदान मुबारक इंज आए। आंदे तेरे वास्ते नक्शा पक्का करेंदा पिया अगर हजूर कदी तेरे ख्वाब विच नहीं आए कम अज कम खुद अपने तसव्वुर नाल एक शक्ले मुहम्मद गाड़ जिस वेले भी दरूद पढ़ उस नूं तसव्वुर दे विच लैके आ। ते आंदे अगर इतना निकम्मा है कि ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता आंदे कदी हजूर दे रोजे ते गया उसने वाजिली और यार सूफिया ने प्लेट ते पा के रख दी है। अल्लाह की कसम असीं हुण साइकोलॉजी पढ़ने हैं NLP नवी साइंस आई है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उनके पिछे प्रैक्टिस आमदियां पई जेड़ा तेरा ए पीर कादरियां का हजार साल पहले दसेंदा पे है फरमाइंदे हैं अगर वो भी नहीं हो सकता ते हजूर दे मजार ते तक कदी गया उसे जिस वेले दरूद पढ़ते तसव्वुर कर हजूर दा रोजा तेरे सामने है। आंदे अगर इस काबिल भी नहीं है कदी रोजे ते भी नहीं गया आंदे फिर जिस वेले दरूद पढ़ ते ए यकीन रख के रसूल तेरे नाल आके बह गया ते अपने कन्ना दे नाल तेरा दरूद सुनदा पे। आंदे ने सिफाते इलाहिया नाल मुजय्यन है अल्लाह फरमाइंदा अना जली सुन मा अमन जकरनी जेड़ा बंदा मेरा जिक्र करता है मैं अल्लाह उदे नाल आके बह जाना। और यार जाकिर दी इज्जत वेखी ने ऐ नहीं आख्या के मन जकरनी फहोवा जली सुन माई के जेड़ा मेरा जिक्र करे ओ मेरे दे नाल जलसा करेंदा नहीं मैं अल्लाह आके बह जाना जेड़ा मेरा जिक्र करता है। फरमाइंदे ने रहमतुल आलमीन उही उसे दी शक्ल ते बने हुए है जिस वेले इहदे ते दरूद भेजे ने यकीन रखिया कर कि उह नाल बैठा अपने कन्ना नाल तेरा दरूद समझदा पे। आंदन लेकिन तेरा तसव्वुर बेटे खाम रासी जब तक तू रसूल दा बरज़खुल ऊला होमना समझ ना आया हुणे बरज़खुल ऊला की है। ए जीली दी ओ मास्टरपीस है कि जेड़ी इस्लाम दी तारीख च एडी नफासत दे नाल एडी आसानी नाल एडी वड्डी गल बहु घट लोगों ने की। आप फरमाइंदे हैं कि मुस्तफा वो बरज़ख है बरज़ख समझ आई ना वो लकीर जिंद एक पासे अंधेरा है एक पासे नूर है रोशनी है एक पासे जुल्मत है। फरमाइंदे हैं ये वो लकीर है ये वो खत है जिसने दो नामुसैन नू दो जहाना नू दरमियान चू तकसीम कितो है एक पासे जहान खालिक दा दूए पासे जहान मखलूक दा एक पासे है जहान कदीम दा दुए पासे है जहान हादिस दा एक पासे है जहान गनी दा दुए पासे है जहान मोहताज दा एक पासे मखलूक एक पासे खालिक ते ओ खत जेड़ा दोवां नू दरमियान दे विच तकसीम करदा पे ओ मुस्तफा। यार जरा समझ फरमाइंदे हैं दायरे दी मिसाल लै सूफिया ने जदन भी कोई चीज समझाई है दायरे ही समझाई है। इंशाउल दवायर मैं तमाम उलमा नू आना जरूर पढ़ो शेखुल अकबर दी ताकि तो दायरे का फलसफा समझ आए। दायरे का कमाल यह होंगे कि दायरे की ना कोई इब्तदा होंगी है ना कोई इंतहा होंगी है जितों शुरू होंगे उतना ही आ जाता है तो उवें टुरदा रहा। इनफिनिटी जिन्हों आते ला महदूद होना उनकी बड़ी वड्डी निशानी है मैथमैटिक्स के दायरा। आप फरमाइंदे हैं एक दायरा वेख ए हुण तखय्युल दे विच अपने दायरा करो उनके दरमियान दे विच लकीर है हैं उत्ते रबे हेठा मखलूक है ते जिहड़ी दरमियान च लकीर है मुस्तफा है। ए हुण मैं काबा कौसैन व मुलतका अन्नामुसैन उनके विच इक्तसाब आखिरी तुहाडे सामने पेश करदा पिया। फरमाइंदे हैं कि यह दायरा है दायरे दे विच एक हुण कुरान की आंदा पिया सुम्मा दा ना वो अगां वधिया
ਫਤਦੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਅੱਗਾਂ ਗਿਆ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸੀ ਸੁਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਅੱਗਾਂ ਗਿਆ ਫਤਦੱਲਾ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਫਕਾਨਾ ਕਾਬਾ ਕੌਸੈਨ ਤੇ ਦੋ ਕੌਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਂਦੇ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਦਾਇਰੇ ਚ ਲਕੀਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਹੈ ਫਕਾਨਾ ਕਾਬਾ ਕੌਸੈਨ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਲੈ ਉਹ ਏਡੀ ਨਫਾਸਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੈ ਕੌਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਹੇਕੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਸੇ ਖੁਦਾਈ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਇਹ ਕੌਸੇ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੇਕੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਤਸਮੂ ਬਿਹਬਲਿਲਾਹ ਜਮੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਧੋ ਲੋਗੋ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਜੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਾਕਈ ਗੌਸਲ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੌਸਲ ਆਜ਼ਮ ਜੀ ਹੋ ਜੇ ਖਾਤਮ ਉਲ ਔਲੀਆ ਦਾ ਪੋਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਦੋ ਕੌਸੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਰੱਬ ਤਾਈ ਤੀਰ ਚਲਾਵਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੌਸ ਤੇ ਰੱਖੇਂਦੀ ਹੈ ਤੀਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵਸੀਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵਸੀਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਫਕਾਨਾ ਕਾਬਾ ਕੌਸੈਨ ਆਓ ਅਦਨਾ ਇਹ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਰਜ਼ਖਲ ਉਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਆਂਦੇ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਹੈਨ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਰਜ਼ਖਲ ਉਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸੀ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਰਜ਼ਖ ਬਣ ਜਾਸੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਬਣ ਜਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਂਦਾ ਰਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀਲੀ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਨਾਫਿਸ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਜੀਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣੀਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਸਕੇ ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਫਾਤੀ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਾਤੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਤੀ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵੀ ਖਾਈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ ਬਾਜ਼ਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਯਾਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿੰਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭਿਜੇਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਬਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਬਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਜੁਬਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਜੀਲੀ ਨੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਤਸੱਵਵ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਫਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਬਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਲੀ ਨੂੰ ਅਨਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਬਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਲੀ ਉਹ ਜੁਬਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਲੀ ਤੇ ਵਲੀ ਉਹ ਜੁਬਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੁਬਾ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਆਂਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ना कदी रब देवण तू थके, ना कदी मुस्तफा लमण तू थके, ना कदी मुस्तफा देवण तू थके, ना कदी पीर लमण तू थके। ते पीरा हुण तू भी हया करे, तू भी अगा बढ़दा रवे, अपने ताई ना रखे। अल्लाह अकबर जी ली। हाली मैं सिर्फ 2-3% गल्लां उंदे स्ट्रक्चर दियां कीतियां जीली दे बाद आंदे हैं मेरे बेटे याद रखें, जिस दिन अल्लाह का जिक्र करे से तेन सकून मिल सी। अल्लाह फरमाइंदा अला बे जिक्र अल्लाह तत्मईनुल कुलूब, बेशक मेरे जिक्र नाल दिल सकून पांदे हैं। आंदे हैं लेकिन जिस वेले मुस्तफा का जिक्र कर से ना, तेरे अंदर हिजान हो सी, तेरे अंदर कशमकश हो सी, तेरे अंदर बेसकूनी हो सी। अजीब गल की, आंदे हैं क्यों? आंदे हैं क्योंकि जिस वेले तू अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह का तू कितना एक जिक्र करना है, जितना एक तेरा ज़र्फ है, ते ज़र्फ दे विच जिहड़ा रहिंदा है उह सकून च रहिंदा है। लेकिन जिहड़े तू मुस्तफा का जिक्र करना है ना, मुस्तफा का काम की है अलिफ लाम रा अंजलनाहू इलैक, हैं असी अलिफ लाम रा किताब अंजलनाहू इलैक, तेरे ते किताब क्यों नाजिल की? लितुखरिजन नास मिनज ज़ुलुमात इला नूर, ताकि लोगों नू अंधेरिया तू लैके नूर दे पासे लै। और यार सुबह सुबह उठते आए ना, ते जिस वेले अंधेरे कमरे च बाहर रमने तो अखें ही दर्द होंदी है, आदत ही नहीं होंगी। मुस्तफा का काम है तेरे ज़र्फ नू वधावना। जिस वेले दरूद पढ़ से ना, ते तसव्वुर करे से तेरे अंदर एक हिजान पैदा हो सी, तेरे अंदर एक कशमकश हो सी, क्योंकि मुस्तफा तेनू एक मकाम ते ठहरने नहीं देवना। वो तो आखसी इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती, अल्लाह मैनू दित्ती आंदे, ओए मेरे नाल प्यार करन आलिया एक मकाम ते क्यों खलोंदा पे है? मैं एक मकाम ते नहीं हाँ। अल्लाह हर लमे नवा जुब्बा देंदा है, पुराने जुब्बे ला के वंडी आ, नवे जुब्बे मेरे को ले जा। ए है फनाफिर रसूल ते फनाफिर शेख। आज लोगों ने फनाफिर शेख दी की लोड़े, जीली अपनी किताब दे आखिरी बाबे चांदा है फनाफिर शेख दा तसव्वुर है कि ये इस काबिल ही नहीं है तू कि तसव्वुर मुस्तफा कर सके, या दरूद दे नाल उंदे जिक्र दे नाल उंदा तसव्वुर जोड़ सके। फिर पीर तां ही कोई ढबदा पीर फदला, ढबदा पीर फदला, उंदा तसव्वुर पकावना कोई मुश्किल नहीं। जे तसव्वुर नहीं पकदा उंदी सोबत च आके बह गया कर, उत्थे आके आखिरी जुमला लिख देण कि मुहम्मद आईना ए खुदा है ते वली आईना ए मुहम्मद है। तू उस वली दे चेहरे दे विच मुहम्मद नू वेख सें, ते मुहम्मद अपने चेहरे दे विच रब नू वेंदा पिया है। पर तेरी खेड सिफात ताई है, उंदी खेड जात ताई है। उम्मीद है फना फिर रसूल दा किसे दर्जे च थोड़ा जिहा हक अदा कीता। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।